जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले पौने दो महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे और मेरे को लगता बींग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले पौने दो महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। मेरा सवाल यह है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या ऐसा हो सकता है जहां पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है या बनने जा रहा है और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, कोई वहां धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उन बिलो पॉवर्टी लाइन है जब मिडिल क्लास लोग हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है?